జయ జయ స్వస్వరూపం జ్యోతి అహో ప్రత్యక్ష హే యే జ్ఞానీ జయ జయ స్వస్వరూపం జ్యోతి అహో ప్రత్యక్ష హే యే జ్ఞానీ నమస్కార్ ఆదాబ్ సత్ శ్రీ అకాల్ వణకం జై శ్రీ కృష్ణ జై స్వామినారాయణ జై సచ్చిదానంద दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। क्या आपने प्रतिक्रमण शब्द सुना है? जी हाँ दोस्तों, प्रतिक्रमण यानी asking forgiveness, ये शब्द तो जैन लिटरेचर से आया है लेकिन दुनिया भर से सभी धर्मों के लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये प्रतिक्रमण क्या है, उसे हमारी रोज बरोज की जिंदगी पर क्या असर होता है, तो चलिए जानते हैं पूज्य दीपक भाई से। पूज्य श्री, हम किसी का भी मतलब दोष देखा या किसी से किसी को दुख दे दिया तो हम प्रतिक्रमण तो करते हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का प्रतिक्रमण करते हैं तो उसके भाव चेंज हो जाते हैं, वो उसके पीछे क्या साइंस है? ये फुटबॉल कभी खेला है क्या आपने? हाँ फुटबॉल, फुटबॉल हाँ। नहीं बच्चे खेलते हैं ना, एक यहाँ से बॉल डालेगा वहाँ से वो डालेगा, और वो जितना भी बार डाला हमने कुछ रिएक्ट नहीं किया, हम लेके बाजू पर बैठ गए तो खेलने की मजा आएगी, बंद हो जाएगा खेल, है ना। वो कितना भी स्पंदन करे हमारे प्रति, हमारे तरफ से उसके लिए एक भी स्पंदन नहीं जाएगा। हम प्रतिक्रमण करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, ऐसे उसके साथ कोई राग द्वेष वैर नहीं रखना है, तो हमारे पश्चाताप से हमारे तरफ से स्पंदन बंद हो गया, धीरे धीरे उसके भी हमारे प्रति आने का बंद होते जाएगा। नहीं पर ये तो एकदम से हो जाता है, जैसे हमने बहुत प्रतिक्रमण करते हैं तो ऐसे लगता है कोई मैजिक सा हो जाता है, जादू लगता है, बिल्कुल उसके भाव चेंज हो जाते हैं। तो वही तो दादाजी बताते कि ये जीवंत प्रतिक्रमण है, खुद की गलती देख के खुद के दोष को उनके भगवान की साक्षी में हम धोते हैं, भगवान के हाजिर करके धोया, आत्मा में आत्मा की जागृति में रह के धोया, बहुत पावरफुल इफेक्टिव होता है, तुरंत चेंज होएगा। सच्चे प्रतिक्रमण से भाव परिवर्तन खुद का पहले होता है और रिएक्शन में सामने वाला का भी भाव परिवर्तन हो जाता है। जो 20-20 साल से भाई दो भाई के बीच में वैर वैर चलता था, एक ने ज्ञान लिया प्रतिक्रमण चालू किया तो 3-4 महीने में तो दोनों भाव के भाई के बीच में वैर छूट गया और धीरे धीरे प्रेम का व्यवहार चालू हो गया। इतना कितने लोगों का अनुभव है, यहाँ भी किसी को अनुभव होगा ना प्रतिक्रमण का? आप ज़रूर अपना अनुभव बताना जब चांस मिले तो, देखो कितने लोगों को अनुभव है प्रेम, आपको भी हुआ अनुभव? लेकिन पूज्यश्री, लेकिन बुद्धि उसका फायदा उठाती है ना, कि जैसे कि प्रतिक्रमण ऐसे करते हैं कि चलो हो गया दोष कोई बात नहीं प्रतिक्रमण कर लेंगे, फिर दोष हो गया फिर प्रतिक्रमण कर लेंगे। जब छोटा है तब चॉकलेट मिलती है, गिरने के बाद रोने पड़ेगा मगर चॉकलेट तो मिलेगी ऐसा समझता है, बड़ा हो गया तो फिर चॉकलेट भी नहीं खाएगा और गिरने का भी बंद कर देगा, अभी छोटा है ना इसके लिए। और मान लो किसी, जैसे हम खूब याद कर करके प्रतिक्रमण करके सब दोषों को धोते हैं लेकिन जो याद नहीं आते वो तो फिर अगले भाव में परेशान करेंगे। जितना दिखाई देता है वो सही तरीके से धोया तो दूसरा लेवल नीचे वाला ऊपर आएगा, तब धोएंगे हम उसको, है ना। जो जो जीवंत है, जो दोष अभी भी किसी के साथ कनेक्शन में है तो लेयर आएगा तब हम तो डालेंगे, है ना। उसका बोझा मत रखो, जितना दिखाई देता है उसको अच्छी तरह धो डालो, बहुत हो गया। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम माफी मांगने की बात कर रहे हैं। हम जिंदगी में मिस्टेक्स तो बहुत करते हैं, तो क्या उन गलतियों को सुधारने का कोई रास्ता है? चलिए जानते हैं अगले सेगमेंट में। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो ईगो का डीप रूटेड जो हैबिट है अपने को बचाने का, सेव करने का, प्रोटेक्ट करने का, ये जब होता है निकलता है माल तो उसका इनकाउंटर नहीं हो पाता है कॉन्शसनेस से, उस समय कॉन्शसनेस इनकाउंटर नहीं कर पाता है। अगर इनकाउंटर कर ले तो वहीं पर उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सूट एंड साइट हो जाए। लेकिन ईगो का ये सूट एंड साइट जो है इसका आप बताएं इसका कैसे निराकरण हो? कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद जागृति आ गई तभी प्रतिक्रमण कराने का। क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी को बताने का, प्रदीप जी क्यों रक्षण करते हो दोष का? माफी मांगो और निश्चय करो दोष का रक्षण नहीं करना, बस हमारा जिम्मेदारी पूरी हो गई हमारे तरफ से। वो इंस्टेंट नहीं आ पाता ना वो बात? कोई बात नहीं, इंस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि हमारा ज्ञान कृपा से हमें पहले ज्ञान मिल गया, प्रकृति के दोष ऐसे ही रहे और हम जुदा हो गए। अभी जोर प्रकृति का दोष निकलेगा, जोर से प्रकृति का फोर्स आएगा, हम जुदा रखेंगे और प्रतिक्रमण कराएंगे प्रदीप के पास।
किसी को नुकसान हो गया तो प्रतिकरण करेंगे, और कभी कोई आर्गुमेंट में रक्षण करने जाए तो भी हम चिंता रखें क्यों प्रदीप जी रक्षण करते हो अपनी गलतियों का, छूटो अभी छूटना है। दादाजी खुद क्या बताते थे, एक ये जो जो सत्संग उनके घर में बड़ोड़ा में बैठते थे, लकड़े का पाठ थी यानी बैठक थी, तो बोलते ये चोरी का माल हम लेके आए हैं, उपरांत ने खुला कर दिया। आप में से अरे आप क्यों बता, अरे देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट का काम करता था तो ये लकड़े जब वो जूना पुराना तोड़ते हैं मकान तो अच्छे अच्छे लकड़े निकले थे, तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलता है कि देखो दो लकड़ा आप लेके जाओ दो लकड़ा मैं लेके जाऊंगा, इधर गलत काम करा लिया हमारे से। तो मैं बोला ठीक है दो आप लेके जाओ दो मुझे भेज दो। हमने ये पलंग बनवाया तो उसमें इतना खर्चा आया कि नया पलंग लेने के जाएंगे तो 50 रुपए का होता था, तो एक लकड़ा कटवाया पलंग बनवाया उसमें 45 रुपीज तो हो ही गए हमारे, तो कुछ फायदा मिला नहीं और चोरी का गुना लग गया। तो ये दादाजी बोलते मैंने खुला कर दिया, क्यों तो मैं खुला नहीं करता था तो ये दोष भीतर बैठे बैठे तगड़े होते थे, खुला कर दिया तो आपको भी लगता है कि दादाजी खुद खुला करते तो हमें क्या फर्क पड़ता है हम भी खुला करेंगे, ऐसे दोष धीरे धीरे खुला करने से चले जाते हैं। अंत में फिर एक बार और निवेदन करूंगा कि हम सभी महात्माओं को आप आशीर्वाद प्रदान करें कि हम लोग जल्दी से जल्दी सही मार्ग पर अग्रसर हो जाए। हाँ हमारी बात वही है। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्रतिक्रमण की। दोस्तों प्रतिक्रमण क्या है और हमें कब करना चाहिए, क्या उसका भी कोई टाइम है, क्या उसका कोई नियम है, किस तरह करना चाहिए, एक ही बार करो तो चलेगा, चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अगले सेगमेंट में। मन वचन काया पर है और पराधीन है और डिस्चार्ज है, ये जागृति अगर है तो क्या प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं है, और ये जागृति किस लेवल की होना चाहिए? एक्चुअली जागृति तो है मगर क्या है कि रुपेंद्र ने आपको बोलने का भी आप धो डालो हमें नहीं धोना है, क्योंकि ये अभिप्राय जो पूर्व के लेके आए हैं नेगेटिव अभिप्राय तो नेगेटिव वाणी निकल जाएगी, तो फिर हम जुदा रखते हैं कि नेगेटिव वाणी निकली रुपेंद्र सिंह की है वो शुद्धात्मा है मैं शुद्धात्मा, तो उसको दुख तो पहुंच गया है, तो रुपेंद्र सिंह को बोलने का है भाई ये नेगेटिव वाणी से दुख पहुंचे उसके प्रतिक्रमण करो और नेगेटिव वाणी के पीछे नेगेटिव अभिप्राय है उसको धो डालो। तो ये धोने से क्या होगा, सेफ साइड रहेगी, एग्जिट हम शुद्ध उपयोग में रहे ना वो थोड़ा आगे की बात है, तो हम लोअर स्टेज में जागृति रखेंगे और किसी को नुकसान पहुंच गया तो प्रतिक्रमण कराएंगे रुपेंद्र सिंह के पास, धीरे धीरे हमारी भी सेफ साइड होती जाएगी और दोषों के आवरण लेयर कम होते होते खत्म होते जाएंगे। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज बातें हो रही है प्रतिक्रमण के बारे में, तो ये प्रतिक्रमण से क्या हमारा संसार व्यवहार ठीक हो सकता है, चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से हमारे अगले सेगमेंट में। भुजश्री वो एक चिकनी फाइल है, प्रतिक्रमण किया सब कुछ करा और बुद्धि बार बार दिखाती रहती है दोषित, फिर सेट करते हैं निर्दोष है अपना हिसाब है, लेकिन दिमाग में से वो फाइल जाती नहीं है, बार बार वो याद आता है अरे वो कैसे हैं, वो खुश तो होंगे उनने कर्म तो बांधे होंगे मेरे से, वो दुखी तो है, फिर उन्हें खुश करने के प्रयास करें, उन्हें ऐसा कुछ करें उन्हें संतोष हो जाए, वो संतोष हो या नहीं हो मतलब वो दिमाग में से बात नहीं जाती, तो लगता है कि आगे फिर कर्म बंध ही जाएंगे। कर्म बनेगा नहीं मगर बुद्धि सब बताती है, तो बुद्धि के सब पॉइंट लिखो और प्रतिक्रमण प्रार्थना से धोते जाओ, इन डिटेल में जाते जाओ, बुद्धि के बहुत पर्याय है तो अलग अलग भाव होता है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, खुश रखना चाहिए फिर क्या गलती कितने दुख होता है, तब सब भाव हो जाए उसका प्रतिक्रमण करेंगे प्रार्थना करेंगे उनको सुख शांति मिले दुखों से मुक्त हो जाए मेरी फाइल का संभाव से निकाल हो जाए मुझे कोई राग द्वेष मोह में नहीं रहना है, ये मोह के परिणाम सब आते हैं तो मुझे संभाव से निकाल करो, शुद्धात्मा का शुद्धात्मा को याद करके व्यक्तियों के प्रतिक्रमण करते रहो। श्री प्रतिक्रमण तो इतने करने पड़ रहे हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि रात को याद आते तो बैठ जाते प्रतिक्रमण करने, फिर दिन में कभी भी आपके सत्संग के बीच में भी प्रतिक्रमण कर लेते हैं। आगे जाओ थोड़ा सामयिक में देखो क्या उसका मोह है अटैचमेंट है अपेक्षा है कुछ अटैचमेंट है क्या है हमारे उसके साथ,
और डिटेल में थोड़ा स्टडी करो कि टच क्यों हो गया हमें, यानी उनका सुख चाहते हो कि उनके प्रति द्वेष भाव है कि मोह भाव है, और मोह भाव को धीरे धीरे फाइल है संभाव से निकाल करना, ऐसे करते करते छूट जाओ। सूक्ष्म में लगता है कि थोड़ा द्वेष और भय दोनों है। हाँ, तो ये उसको भी प्रतिक्रमण से छूट जाएगा धीरे धीरे। तब तक ये दादाजी की थोड़ी किताबें पढ़ते रहो, निज दोष दर्शन से निर्दोष, प्रतिक्रमण, ज्ञान की थोड़ी थोड़ी समझ बढ़ाते रहना। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं प्रतिक्रमण के बारे में। मेरा प्रश्न था, प्रतिक्रमण और समभाव से निकाल करना, मतलब उसमें अंतर क्या है, और नौकल में पढ़ते रहने से क्या अतिक्रमण होने बंद हो जाएंगे? चलिए, अतिक्रमण यानी किसी को दुख पहुंचे वो उसको अतिक्रमण कहा जाता है, और नवकल में वो अतिक्रमण की क्रिया बननी होती है, मगर जो अतिक्रमण के पीछे भाव था, अभिप्राय, कि उनको तो डांटेंगे, हाथ में काम नहीं किया तो उसको अच्छी तरह डांटना चाहिए, तो ये अभिप्राय था डांटने के लिए, तो वो अभिप्राय को हम तोड़ते हैं, प्रतिक्रमण से भी तोड़ते हैं, नवकल में भी अभिप्राय तोड़ने का ही उसमें भाव है कि नहीं, कोई भी नेगेटिव अभिप्राय को हम तोड़ना चाहते हैं। तो प्रतिक्रमण से, प्रतिक्रमण तो एग्जैक्ट जो शब्द से सामने वाले को दुख पहुंचा उसके ऊपर एग्जैक्ट माफी मांगते हैं कि हे शुद्धात्मा भगवान, इस प्रकार इनको दुख पहुंचा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। तो ये भाव प्रतिक्रमण है, और संभाव उसके भी पहले की बात है कि फाइल आई दिखाई दी, तुरंत निश्चय करो कि फाइल है, संभाव से निकाल करना है, वो निश्चय। संभाव नहीं रह गया, क्रोध हो गया या द्वेष हो गया, तो प्रतिक्रमण करके धोखे वापस संभाव में आ जाओ। जो ये पांच आज्ञा पालन करना फर्स्ट स्टेप है, उससे ऊपर की बात है ज्ञाता दृष्टा, और बाद में नहीं रह गया ज्ञाता दृष्टा, तो पांच आज्ञा से व्यवहार पूरा करो, वापस आत्मा में आ जाओ। उससे भी कुछ गलती हो गई, किसी को नुकसान हो गया, दुख हो गया, तो प्रतिक्रमण करके वापस पांच आज्ञा में आ जाओ जी। और फिर ये ग्रंथियां भी खत्म हो जाएंगी प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण से, और सामायिक में बहुत उसका, ग्रंथियां खत्म करने के लिए ही हमारी सामायिक है। प्रतिक्रमण किस चीज का किया, क्रोध से उसको दुख पहुंच गया, और क्रोध के पीछे अरे दुख वाणी जो बुरी निकल चुकी है उसके हम प्रतिक्रमण किए, किस वजह से क्रोध, क्रोध क्यों हुआ, हमारे आग्रह थे, हमारी अपेक्षा थे, तो ग्रंथियों को तोड़ने के लिए सामायिक में चेक करना चाहिए। हम स्थूल भाग देखते हैं कि शब्द निकल गए, उनको दुख इस प्रकार पहुंचा, माफी मांगते हैं, शब्द क्यों निकले, तो हमारी कुछ ग्रंथियां हैं, अपेक्षा, मान, मनमानी करना, तो ये कुछ ग्रंथियां वो सामायिक में हम चेक करते हैं, किस वजह, ये कारण कौन से कारण से ये दोष हुआ, हमारा मान है मैं समथिंग ग्रेट हूं, मैं होशियार हूं, मैं सच्चा हूं, ऐसे कोई आग्रह है हमारा, हमारा कुछ मोह है, ये सब तोड़ने का सामायिक में होएगा। जय सच्चे, जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना कि जिंदगी में भूले तो होती ही रहती है, लेकिन दादाजी ने हमें आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का ऐसा हथियार दिया कि जन्मों जन्म के दोष को हम जड़ मूल से बाहर निकाल कर सकते हैं, द्वेष भाव को निकाल सकते हैं, और हमारी व्यवहारू जिंदगी सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। तो आइए ऐसे ही सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनना ना भूले नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाए 1-877-505-3232 extension 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हैप्पी। जय सच्चिदानंद।